देश की सबसे बड़ी परिषद का बजट सम्मेलन आज से इंदौर के एक निजी होटल में आयोजित होने जा रहा है। इंदौर नगर निगम में सभी विधायक, पार्षद और एल्डरमैन के साथ एक सांसद प्रतिनिधि को शामिल किया जाता है। इन सबको बजट सम्मेलन में आमंत्रित किया जाता है, जहां पर ये सभी अपने सुझाव दे सकते हैं। इंदौर नगर निगम इन सभी सदस्यों को मिलाकर देश की सबसे बड़ी परिषद बन चुकी है। बताया जा रहा है कि इस बार बजट में किसी तरह का अतिरिक्त कर नहीं लगाया जा रहा है, ना ही किसी प्रकार के कर में वृद्धि की जा रही है। परिषद के बजट में चर्चा और बहस के लिए पर्याप्त समय की मांग को लेकर कांग्रेस पार्षद दल ने भी सभापति से मुलाकात की। इंदौर नगर पालिका निगम देश की सबसे बड़ी निगम परिषद बन चुकी है। निगम की पूरी परिषद में 91 सदस्य हो चुके हैं, जिनमें पार्षद, एल्डरमैन और अधिकारियों के साथ एक सांसद प्रतिनिधि भी शामिल है। निगम परिषद का बजट सम्मेलन विजयनगर के एक निजी होटल में आयोजित किया जा रहा है। 4 और 5 अप्रैल को निगम का बजट सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इसे लेकर कांग्रेस पार्षद दल ने सभापति अजय सिंह नरुका से मुलाकात की। कांग्रेस पार्षद दल की मांग थी कि निगम के बजट सम्मेलन में पार्षदों को प्रस्ताव और प्रस्तुत करने में समय लगता है। वहीं कई मुद्दों पर सम्मेलन में ही बहस की जा सकती है, लेकिन पर्याप्त समय न होने के कारण पार्षद अपने सुझाव और प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं। इसलिए निगम के बजट सम्मेलन को 4 और 5 अप्रैल के साथ 6 अप्रैल को भी रखा जाए। पूरे मामले पर सभापति ने पार्षदों की मांगों पर विचार करने की बात कही है। देखिए, अपनी एक सामान्य प्रक्रिया है और जब भी हमारा बजट या मतलब जब भी हमारी परिषद होती है तो उसमें जो हमारे कांग्रेस के सम्मानित पार्षद दल है, हमारे नेता प्रतिपक्ष के पूज्य से गलिम जी के नेतृत्व में सब लोग आते हैं और उसके बाद में उनकी जो भी जिज्ञासा, उनका जो भी एक व्यवस्था जो वो चाहते हैं उसके बारे में हमारी ओपन डिस्कशन होती है यहाँ पे बहुत स्वस्थ वातावरण के अंदर। और मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि उसको जो बातें इनसे बोली गई हैं, जो विश्वास दिलाया गया तो उसका पालन हो वहाँ पर। और मेरी एक ही इच्छा रहती है कि हम उसमें सार्थक बहस करें। आप लोगों से मेरे अभी भी सबसे यही आग्रह है कि उसमें हम जितना तथ्यात्मक बातों को रखते हुए शहर के अंदर जनहित के मुद्दे उठाकर हम बात करेंगे, उतना कम समय के अंदर प्रभावी तरीके से अधिक मुद्दों को हम उठा पाएंगे, अधिक से अधिक बात हम वहाँ पर रख पाएंगे। और चूंकि ये जो सम्मेलन जो हमारा कल होने जा रहा है, ये बजट सम्मेलन है, ये बहुत महत्वपूर्ण सम्मेलन है। इसमें आने वाला जो हमारा कल है उसके ऊपर निर्धारित है, जो योजना है वो उसके अंदर लागू होने वाली है, पिछले जो हमारी योजना है उसकी समीक्षा होने वाली है। तो मेरा आपसे पुनः सब लोगों से इसी पर मैंने आग्रह करा है, माननीय नेता प्रतिपक्ष से भी, उनके सब सहयोगियों से, कि वो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें और समय का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग अपने इस बहस के अंदर लें, संशोधन के अंदर लें, क्योंकि संशोधन बजट के अंदर कोई त्रुटि कोई चीज़ रह जाती है जिस पर ध्यान नहीं गया है, तो वो ध्यान आप दिलाएँ, उसके ऊपर वो संशोधन मुझे प्रेषित करें, संशोधन पे हम चर्चा करके उसको अंदर जो जनहित के मुद्दे को लेकर है तो उसको निश्चित रूप से शामिल करेंगे। और उसका बहुत सकारात्मक हमको पहल देखने को भी मिलता है, कई चीज़ें ऐसी रह गई थी पिछली बार भी जिनको हमने इसमें संशोधन में शामिल करके मूर्त रूप कार्य योजना के रूप में इस बार दिया है, जिससे हमारा शहर आगे बढ़े, हमारी जनता यहाँ पर खुशहाल हो। देखिए, काली पट्टी वाला जो था वो एक विषय अलग था और वो एक मर्यादा में रहकर जनता से जुड़ा हुआ मामला था, जिसको जिन लोगों के विरोध में वो था वो समझ गए थे और उन्होंने उसको दूर भी कर दिया। और वो माननीय नेता प्रतिपक्ष का एक मांग और है, सभी पार्षदों की एक मांग और है इसी संबंध में, कि बहस को जो है वो 3 दिन के लिए रखा जाए, मतलब 2 दिन बहस है और 1 दिन हमारे माननीय महापौर जी के द्वारा अभिभाषण हो उनका बजट का। अगर इस पर लगता है कि बजट को 1 दिन बढ़ाया जाना है, बहस को 1 दिन बढ़ाया जाना है, संशोधन को 1 दिन बढ़ाया जाना है, तो निश्चित रूप से हम उसमें कोई हमारे पास में कोताही नहीं है और उसको हम बिल्कुल कर लेंगे। 6 तारीख हमारी फ्री है वहाँ पर, वही व्यवस्था के अंतर्गत हम वापस उसको 1 दिन और बढ़ा सकते हैं। लेकिन एक मेरी मतलब एक जो अपेक्षा है वो ये है कि उसका राजनीतिकरण ना हो मुद्दे का, शहर के विकास के लिए बातचीत हो, सार्थक बातचीत और बहस हो, तो निश्चित रूप से 1 दिन अगर बढ़ाना पड़े तो बढ़ाएंगे, क्योंकि 91 सदस्य हमारे हो चुके हैं पार्षदों के रूप में और 8 विधायक और 1 सांसद प्रतिनिधि हमारे पास में। तो इस प्रकार से ये मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी हमारी परिषद होगी और पहली बार ये परिषद अपने स्वरूप में पूरी तरह से बहस में हिस्सा लेगी।
निगम के बजट सम्मेलन में प्रश्नकाल नियमों के मुताबिक किया जाना आवश्यक है, जिसके लिए मात्र एक घंटा निर्धारित किया गया है। ऐसे में पार्षदों की संख्या के हिसाब से भी सभी पार्षद प्रश्न लगाते हैं, तो भी हर पार्षद को एक मिनट से कम का समय मिलता है। यही कारण है कि बजट के सम्मेलन में अभी भी कई पार्षद ऐसे हैं जिन्हें बोलने का मौका अभी तक नहीं मिला है।